हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग झा और आप देख रहे हैं नॉलेज प्रोवाइडर। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 भारत के विदेश संबंध से। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसको एक जगह किया गया है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेंगे आपके चौथे चैप्टर से। तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले के जो 3 वीडियोज़ हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद जो है आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन है मेक मोहन रेखा कहाँ है। तो मेक मोहन रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और दोस्तों, मेक मोहन रेखा किस दो देश के बीच है ये जो है आप लोग नीचे जाइए कमेंट में और वहाँ पर कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आज का काम रहा दोस्तों। कमेंट निश्चित रूप से किया करो, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख लेते हो वो चीज़ आप कभी नहीं भूलते, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया। तो भारत में जो पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो 1974 में किया गया था। उसके बाद चलिए, नेहरू के गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण कहाँ हुआ। तो आप लोगों को पता होगा कि 1950 के कोरिया के लड़ाई में जो है नेहरू के गुट निरपेक्षता की नीति का परीक्षा हो गया था। चलिए उसके बाद चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीय कायम हुई, ठीक है। एक ध्रुवीयता, ठीक है, यहाँ पे ता हो जाएगा ध्रुवीयता। तो यहाँ पे जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका, अमेरिका के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई वहाँ पे। चलिए, वहाँ पे शासन व्यवस्था भी इसी तरह की है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, ठीक है। तो ताशकंद समझौते के समय जो है इनमें से कोई भी नहीं कर रहा था, ठीक है। कोसिजिन, पुतिन, ये सब नहीं थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ। तो भारत का जो है आप लोगों को पता होगा कि भारत का जो है चीन के साथ 1962 में युद्ध हुआ था, जिसमें भारत हार गई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 1955 में, हालांकि आजकल जो है अब युद्ध हुआ तो अब सिचुएशन बदल गई है, अब भारत भी बहुत पावरफुल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 1955 में किस शहर में एक एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुए, ठीक है। तो एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये जो है आपका बांगडुंग में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांगडुंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ। तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन जो है आपका 1966 में हुआ था, ठीक है। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। उसके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1971 में ग्रैंड अलायंस में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी, ठीक है। तो ग्रैंड अलायंस में जो है साम्यवादी दल, ठीक है, साम्यवादी दल जो है सम्मिलित नहीं थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो ये जो है आपका 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें भारत जीत गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, शिमला समझौते पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर हुए। तो शिमला समझौते पर जो है आप लोगों को पता होगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। जुल्फिकार अली भुट्टो उस समय क्या थी, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए, विश्व के किसी भी गुट में शामिल ना होना, ठीक है। उस समय दो गुट बन रही थी, ठीक है, एक तरफ अमेरिका का गुट था, एक तरफ रूस का गुट था। तो भारत ने दोनों तरफ जो है किसी भी तरफ जाना नहीं स्वीकार किया, तो वो जो है गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को जो है ऑडियो लेक्चर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पीडीएफ भी मैं शाम तक जो है आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, तो वो जो है आप लोग वहां से जाके देख सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन कर ही लो, ठीक है, क्योंकि वहां जो है सीधे लिंक में भेज देता हूं और यहां जो है आपको वीडियो में शाम तक लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है। आप इस वीडियो को पूरा देखो, ठीक है, उसके बाद ऑडियो लेक्चर सुन लेना, है ना। उसके बाद जो है आप लोगों को निश्चित रूप से याद हो ही जाएगा, उससे ज़्यादा अब कुछ नहीं कर सकते, तो इतना केवल कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको याद रहेगा, एग्जाम में बना के आओगे यार,
चलो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आसियान। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर देख लेते हैं। एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? तो एशियाई क्षेत्रीय मंच का संगठन कहाँ से है? आसियान से। ठीक है, आसियान से। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने जो है दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1998 में किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो भारत में जो है आपका पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। क्या क्या किस चीज पर? भारत में पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आपके ताशकंद समझौते पर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। कभी कभी सीधे पूछ लेगा, ताशकंद समझौता 1966 में, पाक समझौता 1959 में, है ना। उसके बाद जो है आपका सिंधु नदी समझौता, ये हो गया था आपका 1960 में, है ना। और शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था। तो डेट याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील सूत्र रखे हुए हैं, है ना। तो भारत जो है अमेरिका नहीं, चीन के साथ जो है पंचशील प्रस्तावना सूत्र किए थे, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1965 और 1971 में भारत का किस देश के साथ युद्ध हुआ? तो भारत का जो है 1965 और 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था दो बार, और दोनों बार ही भारत विजयी रही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, अभी मैंने बताया भी था, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच, और ये समझौता कब हुआ था? तो यहाँ पे कब पूछा, तो 1954 में, ठीक है, 1954 में हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसके बाद जो है दोस्तों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन कर ही लीजिए, और रात में जो है आप लोगों को ऑडियो लेक्चर का एक फाइल मिल जाएगा, तो वो जो है आप लोग इजीली कान में लगा के हेडफोन सुन सकते हो, जैसे कि आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, और साथ में अगर किसी और, हाँ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कि मैं रोज़ जो है 5 बजे ऑनलाइन आता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे अगर किसी तरह की क्वेश्चंस हैं, या किसी तरह की कोई समस्या है, या तैयारी से कोई समस्या है, तो वो आप लोग बेझिझक होके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।